और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बात पेपर लीक की करते हैं। सूत्रों के हवाले से नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। पटना में बरामद जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। दरअसल झारखंड पुलिस ने बिहार के ईओयू को बताया था कि झारखंड की एक गाड़ी में प्रश्न पत्र लीक से जुड़े हुए कुछ संदिग्ध लोग हैं, जिसे पुलिस ने बाद में गाड़ी समेत रोका था, जिसके बाद खुलासे हुए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और हमारे साथ प्रकाश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रकाश बताएं, एक बड़ा खुलासा ये हो रहा है सूत्रों के लिहाज से कि झारखंड से नीट का पेपर लीक हुआ। रोहित, ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा सेंटर था जहां से ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और आपको बता दूं कि ये जो जानकारी आई है ये किसी और ने नहीं दी, बल्कि ईओयू को एनटीए ने दिया है। यानी यहाँ के जो आर्थिक अपराध अनुसंधान करने वाली एजेंसी है उसको एनटीए ने जानकारी दी है कि ये जो बुकलेट संख्या जो जले हुए प्रश्न पत्र से मिले थे पटना में, वो बुकलेट संख्या का मिलान हुआ है और हजारीबाग के एक सेंटर से बताया जा रहा है। तो जाहिर है कि हजारीबाग में ही सॉल्वर गैंग पहले से वहां मौजूद थे, रात में ही इसकी सूचना मिल गई थी और सुबह में जो कि टिप ऑफ दिया गया था झारखंड पुलिस की तरफ से, जो इसके अपराधी आरोपी हैं सिकंदर यादवेंदु, उनको एक डस्टर गाड़ी से झारखंड से एडमिट कार्ड के साथ पकड़ा गया था। तो ये बड़ा खुलासा है। ये पहली बार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र लीक सेंटर, उसका जो एपिसेंटर कह सकते हैं, वो झारखंड का हजारीबाग था। तो यानी प्रकाश, अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सिकंदर से लेकर जो कहानी शुरू हुई थी उसमें कई किरदार और जुड़े, चाहे मुखिया की बात हो और लोगों की बात हो, और अब ये कनेक्शन भी जुड़ता जा रहा है और सिकंदर का कबूलनामा भी सामने आ रहा है, उसके बारे में कोई नई जानकारी अभी मिल पाई है? बिल्कुल, सिकंदर ने जो कबूलनामा दिया था उसमें इस बात का जिक्र था कि झारखंड की एक डस्टर गाड़ी थी जिसमें एडमिट कार्ड के साथ चार बच्चे जो छात्र एग्जाम देने आए थे उन लोगों के साथ उनको शास्त्री नगर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ की थी। और उसी वक्त ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है वो झारखंड से जुड़े हुए हैं और झारखंड के हजारीबाग से जो बुकलेट मिला है उसका जो मिलान किया गया है जले हुए प्रश्न पत्र से, तो ये साफ हो गया है कि इसमें जितने लोग पकड़े गए हैं अब तक उनका लिंक कहीं ना कहीं झारखंड और प्रश्न पत्र लीक के। अब सिर्फ ये जानना जरूरी है कि वो कौन शख्स था जिसने उस सेंटर से लीक कराया। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर के लिए। तो नीट मामले पर यह बड़ा खुलासा हुआ जिसकी जानकारी हमने आपको दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।